अनुप्रिया जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। एक ऐसा फैसला क्यों किया गया है, क्यों इस तरीके से एक स्पेशल कॉज में बदलाव किया गया, ऐसी क्या सरकार की मजबूरी थी कि चारों तरफ सवाल भी उठ रहे हैं, आईएएस लॉबी भी नाराज है और जिन डीएम की हत्या हुई उनकी पत्नी भी कह रही है कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया है। बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जबकि नीतीश बाबू सुशासन के लिए जाने जाते हैं। आज ये फैसले पर सवाल उठ रहे हैं चारों तरफ से। कभी भी किसी को ना बचाया जाता है ना फंसाया जाता है। हम कानून में विश्वास करते हैं और कानून प्रक्रिया और कानून के राज में हमारा शासन चलता है। लेकिन बहुत आश्चर्य होता है मुझे बीजेपी के नेताओं के दोहरे चरित्र को देखते हुए। सुशील मोदी जी अभी कह रहे थे, आप अगर उन्होंने अगर आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई वो बाहर निकलेंगे तो बीजेपी को तो मदद नहीं करेंगे, वो मदद करेंगे महागठबंधन को। उनकी महत्वाकांक्षा क्या है और उम्मीदें क्या है, ये बात समझने की बात है कि सुशील मोदी 13 फरवरी को ये ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, शायद स्क्रीन पर अगर दिख पाए तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने लिखा था कि आनंद मोहन जब 14 साल से अधिक साल की सजा काट चुके हैं और बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा रहा है, उन्हें रियायत देकर रिहा करने के लिए कानूनी विकल्पों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं? यह मैं नहीं कह रही है, यह सुशील मोदी जी कह रहे हैं। यह विडंबना है और जिस तरह के ये आनंद मोहन के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मैं बता दूं कि परिहार बोर्ड ने यह फैसला लिया है। परिहार बोर्ड के नियम में जो एक जो तरीका होता है कि जो भी दोषी होते हैं उनके आचरण को देखते हुए उनको रिहा करने की बात की जाती है। हमारे यहाँ जितने भी परिहार बोर्ड के मेंबर होते हैं वो जेल अधीक्षक होते हैं, ऑफिसर होते हैं या कलेक्टर होते हैं। इसमें हमारे यहाँ के राजनीतिक दल के नेता नहीं होते हैं, जिस तरह से हमने गुजरात में देखा था दुष्कृत वालों के दोषियों के लिए भाजपा के नेताओं के परिहार बोर्ड में सम्मिलित किया जाता है और वहां उनको उनके दोषियों को छूट देने की बात की जाती है। इनफैक्ट भारत के गृह मंत्रालय पत्र लिखकर कहते हैं कि उन दोषियों को छूट दी जाए, तो ये दुर्भाग्य है देश के लिए। और ये भाजपा अपने अनुसार ये राजनीति करती है, जहां उनको फायदा होता है वहां वो अपने हिसाब से नियम कानून बदल देते हैं। एक जघन्य अपराधी जो 11 अपराधी थे उनको बाहर निकालने के लिए अपने मेंबर्स को वो परिहार बोर्ड में शामिल करते हैं, फिर तो जब मेंबर बाहर निकल के जब वो दोषी बाहर निकलते हैं, 15 अगस्त का दिन वो होता है जहां हम देश की आजादी मनाते हैं, लेकिन उस दिन में उन दोषियों को बाहर निकाल के बीजेपी के नेता माला पहना के ये मामले काउंट करा के ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने फैसले का बचाव कर रही है। आप समझ रही है अनुप्रिया जी? आप ये बताइए, ठीक है वो सजा अपनी पूरी कर चुके, एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसके तहत वो बाहर आते, परमिशन लेते, लेकिन सरकार को कानून में बदलाव करने की क्या जरूरत थी, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, सरकार ने जो नियम बदला है उसमें यह एक मेन हमारा मोटो है कि आम और खास में यह कोई अंतर नहीं है। अगर हत्या चाहे एक आम व्यक्ति की हो चाहे किसी पदाधिकारी की हो, हत्या को इसी तरह से जघन्य माना जाएगा और उस पर जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई के तहत उन्होंने सजा काट ली है। और इस सजा को हमारा बस एक ही मुद्दा था कि आम और खास में अंतर, कि कोई अंतर नहीं रह जाए, क्योंकि संविधान कहता है कि सभी एक समान है और इसी संविधान का पालन करते हुए इस नियम में बदलाव किया गया। और मैं कहती हूँ कि अगर जो बदलाव है वो संशोधन जो विधि संबत नहीं है तो लोग चुनौती दे, सुप्रीम कोर्ट में जाए। सीधा आरोप ये लग रहा है नीतीश कुमार सरकार पर कि चुनाव को देखते हुए, 24 का चुनाव नजदीक है, उसके बाद 25 का चुनाव है, आनंद मोहन अपनी वो जगह रखते हैं बिहार की राजनीति में कि राजपूतों में अगड़ों में उनका अच्छा खासा स्थान है, अच्छी खासी पकड़ है, इसीलिए उनको इस तरीके से बाहर लाया गया, इस कॉज में बदलाव किया गया, सीधे तौर पर आरोप है। विपिन जी, ये आप कह सकते हैं ये एक एजेंडा है और जिसके तहत ये एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। 27 लोगों की रिहाई हुई है, सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई है। और आप उस लिस्ट में देखेंगे उसमें भी एमवाई समीकरण है, उसमें भी जातिगत समीकरण नजर आ रहा है और उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी जानबूझकर रिहा किए जा रहे हैं कैदी। नहीं विपिन जी, मैं बहुत ही गंभीरता से कहूँ कि ये इस तरह के एजेंडा सेट करना बहुत ही गलत है। जहां अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर गुजरात में मैं कहूंगी कि विल्किस बाबू एक मुस्लिम थी और जो अपराधी थे वो हिंदू थे, इसलिए उनको छोड़ा गया था।
तो ये एजेंडा गलत सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जाति और धर्म के आधार पर, बीजेपी की जब भी उसके पाले में गेंद नहीं होती है तो इस तरह के वो आरोप लगाने लगती है, जिसमें मुझे लगता है कि बचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की रिहाई की बात हो रही है, 27 लोगों की रिहाई की बात हो रही है। और अगर मैं फिर कहती हूँ कि अगर इस तरह के संशोधन में अगर गड़बड़ी लगती है, उनको लगता है कि विधि संबद्ध नहीं है, वो न्यायालय के दरवाजा खटखटाए और मतलब की चुनौती दे। इस तरह की बातों आपने एसोसिएशन लॉबी को सुना, आपने कृष्णा जिन डीएम की हत्या हुई इनकी पत्नी को सुना, उनके बयान सुने, उनमें नाराजगी है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए उनको बाहर लाया जा रहा है, जो कि गलत है, और इस फैसले से दुख पहुंचा, आहत हुए हैं। रुक्मिणी जी, मेरी उनके परिवार के साथ में संवेदना है, और मैं से कहती हूँ कि यह सरकार में नहीं कि कानून व्यवस्था के तहत हुई है, ये किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया नहीं की गई है, और बहुत ही सरकार की भी और हम सभी की संवेदना उनके साथ में है। मैं फिर कह रही हूँ कि ये एक व्यक्ति की नहीं, किसी पूरे एक 27 लोगों की रिहाई की बात हो रही है, और मुझे लगता है कि इस पे जिस तरह की चुनौती है वो आगे जाकर के लोग वहां पर चुनौती कर सकते हैं। संविधान में जिस तरह से बदलाव हुआ है, और ये नई बदलाव नहीं है, कई जगह ये बदलाव देखने को मिला है। मैं फिर कहती हूँ कि इसमें एक राजनीतिक मोड़ दी जा रही है, और राजनीतिक मोड़ नहीं दी जाए ये मेरे लिए सभी के लिए ये अच्छी बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।